कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने आज इंटरनेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी करिश्मा रावत को सम्मानित किया। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने आज 24 से 28 नवंबर तक बहरीन में हुई पहली वर्ल्ड पैरा ताइक्वांडो वुमेन्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली कांडाखाल निवासी करिश्मा रावत से मुलाकात की। इसके बाद अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अपने कार्यालय में करिश्मा रावत को फूल माला और अंग वस्त्र पहनाकर बधाई दी। उन्होंने करिश्मा रावत की इस उपलब्धि पर हर्ष जताया। इस दौरान अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण आज महिला शक्ति बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। करिश्मा रावत भी महिला सशक्तिकरण का सही उदाहरण है, जो अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती रहेंगी। वहीं करिश्मा रावत ने बताया कि उन्हें बचपन से ही खेलों का शौक रहा है। उन्होंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल में भी कई मेडल जीते हैं। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, सिमुलखेड़ से, एंड पहले स्टार्टिंग जो मैंने प्राइमरी की है वो मैंने सिमुलखेड़ धरगांव से की है। जो मेरी गेम की स्टार्टिंग हुई वो 2022 से स्टार्ट हुआ, एंड स्टार्टिंग पहले मैंने फुटबॉल से किया था। तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम के आने के कारण मैंने फुटबॉल छोड़ के 100 मीटर एंड शॉर्ट पुट स्टार्ट किया, तो उसमें काफी अच्छा मुझे स्कोप मिला। बट जब चंडीगढ़ में हमारा एक पैरा स्पोर्ट्स सोसाइटी के अंडर फर्स्ट चैंपियनशिप आई थी ताइक्वांडो की, तो मेरे सर ने कहा कि उसमें पार्टिसिपेट करो करिश्मा। तो मुझे लगा नहीं था कि मेरे मतलब होगा ऐसा, मेरा सिलेक्शन होगा आगे के लिए। तो जब मैं जलंधर गई थी उसके लिए खेलने के लिए, तो उसमें मेरा गोल्ड आया, जिसमें आगे के लिए बहरीन के लिए सिलेक्शन हुआ मेरा। मेरे उसमें 4 कॉम्पिटिटर थे, अफगानिस्तान, बहरीन और इंडिया। और दूसरी बात तो मेरे को लगता है हर पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है चीज, कि हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि अगर नेशनल हो तो नेशनल तक हर बच्चा जाता है, इंटरनेशनल हर कोई रुक जाता है। एक्चुअली इसमें हमें कोई मदद नहीं मिलती, तो 150 रुपये की बात होती कोई भी भेज देता है, तो यहाँ तो लाखों से ऊपर बात होती है, तो नहीं इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली मैं एथलीट कोच हूँ, मैं अपने हमारी एक सोसाइटी है पैरा सोसाइटी, स्पेशल बच्चे मेरे पास होते हैं, तो हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं जो हमारे सोसाइटी के मेन हेड हैं, तो मैं अपने बच्चों को खुद कोचिंग देती हूँ एथलीट से रनिंग का और शॉर्ट पुट की। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जो हमें यहाँ पे सम्मान मिला है वो तो बहुत खुशी की घड़ी थी हमारे लिए, और हम कह नहीं सकते कितना हमें सम्मान मिला है, चाहे झंडी चौड़ लगाओ चाहे हमें कोटदार में लगाओ। और ये एक बात छोटी सी बात है, जो रतुरी जी से, खंडूड़ी जी से हम मिले हैं यहाँ पे, जो रिस्पांस होना चाहिए था थोड़ा कम था, पर हम रतुरी जी से एक ही बात कहेंगे कि जैसे हमारे या उत्तराखंड स्टेट से लड़की आई है उसका थोड़ा प्रोत्साहन करें, ताकि बच्चा आगे और नाम कमाए, चाहे हमारा इंडिया का नाम कमाए चाहे हमारा उत्तराखंड।